आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www मींस वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। It is a network of networks that consist of private, public, academic, business and government networks of local to global scope, linked by a broad era of electronics, wireless and optical networking technologies. The internet carries an extensive range of information, resources and services such as the interlinked hypertext documents and applications of the World Wide Web, www, the infrastructure to support email and peer-to-peer networks for file sharing and telephony. Internet interconnected computer network ki ग्लोबल सिस्टम है जो दुनिया भर में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP एंड IP का उपयोग करती है। इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। यह नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें स्थानीय, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापार और स्थानीय नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट में सूचना संसाधनों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है जैसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी और फाइल शेयरिंग के एप्लीकेशन। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू मेक पर्सनल कंप्यूटर टू मल्टी यूजर बिहेवियर। दो द कंप्यूटर हैविंग सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS by sharing resources and peripherals devices more than one user can work at a single resource or device. Networking एक ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर को मल्टी यूजर बिहेवियर की तरह प्रयोग करने के लिए किया जाता है। हालांकि कंप्यूटर में सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रिसोर्सेस और पेरिफेरल्स डिवाइसेस को शेयर करके एक से अधिक यूजर्स एक ही रिसोर्सेस या डिवाइस पर काम कर सकते हैं। नेटवर्क को विभिन्न आधार पर विभाजित किया जाता है, उनमें से मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल। अ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर। द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल ओवर द टू वायर ओपन लाइंस आर इट प्रोवाइड्स बेटर रेजिस्टेंस फ्रॉम फॉल्स नॉइज सिग्नल्स एज द टू वायर्स आर क्लोज टू ईच अदर। Both pick equal interferences caused by irrelevant signal sources and this reduces the differential signal added by the noise. Data transmission के माध्यम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक wired network और एक wireless network. Wired twisted pair cable या coaxial cable, फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस नेटवर्क में जैसे रेडियो, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं।
गाइडेड में वायरलेस एंड केबल है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल में कॉपर के तारों का उपयोग किया जाता है। ये कॉपर के तार इंसुलेटेड होते हैं और इन पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इन्हें ट्विस्टेड पेयर केबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर एक पेयर आपस में लिपटे हुए होते हैं। तारों के आपस में लिपटे होने के कारण यह डेटा को बहुत ही स्पीड में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, लैपटॉप आदि के बीच डेटा ट्रांसफ़र करके कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोएक्सिकल केबल। द कोएक्सिकल केबल इज अ राउंड शेप केबल कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन कंडक्टर वायर कॉल्ड एन इनर कंडक्टर दैट इज कवर्ड विद अ थिक सॉलिड प्लास्टिक इंसुलेशन एंड हैज फॉइल्स ओवर इट एंड इट्स फॉग्ड विद अ मेटल वायर दैट इज रैप्ड। द आउटर इज कॉल्ड कंडक्टर एंड द टॉप इज अ प्लास्टिक पाइप विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ऑल ऑफ देम। Coaxial cable is mostly used in cable TV. It is also used in computer networks, but currently it is very rarely used in computer network. Coaxial cable एक तरह की transmission तार है जिसे signal की high frequency के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Coaxial cable एक तार चार परतों वाली मोटी तार होती है जिसे अधिकतर आपके टीवी और सेट टॉप बॉक्स को इंस्टॉल करते वक्त देखा होगा। ये केबल टीवी से सेट टॉप बॉक्स के कनेक्शन में मददगार होती हैं, जिसे लगाने से सेट टॉप बॉक्स से आने वाली सिग्नल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इस केबल की बनावट सर्कुलर इंसुलेटर की तरह होती है। ये केबल चार परतों से घिरे होने के कारण काफ़ी सेफ और सिक्योर होती है। इनकी लेयर्स की बात की जाए तो सबसे ऊपर की परत में प्लास्टिक कवर, आउटर जैकेट, फिर मेटल इंसुलेटर, इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक फ्लेक्सिबल ट्यूब और फिर मेटल इंसुलेटर कोर या कॉपर वायर जिन्हें इनर कंडक्टर भी कहते हैं होती है। एक कोएक्सिकल से 1 किलोमीटर की दूरी तक और 100 Mbps की डेटा रेट से इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कैरीज द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग बीम ऑफ लाइट इन अ ग्लास फाइबर रादर देन एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन अ वायर। This type of transmission has become strong support for digital network owing to its high capacity and other factor favorable for digital communication. The basic optical fiber has a buffer coating preventing it from any damage during the manufacturing processes. It is then enclosed in a central PVC loose tube which allow the fiber to flex and bend, particularly when going around curves or when being pulled through conducts. Optical fiber cable देखने में आम केबल से थोड़ा अलग होता है। आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उस इंटरनेट को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का काम यही करता है। मोबाइल और लैपटॉप पर आप जिस फास्ट इंटरनेट को चलाते हैं यह इस केबल की ही वजह से पॉसिबल हो पाया है। इस केबल का यूज़ मेनली टेलीकम्युनिकेशन और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। द पीवीसी ट्यूब इज़ ब्रेडेड यूजिंग अर्न मटेरियल विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन पुट ऑन द फाइबर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। फाइनली अ पीवीसी आउटर जैकेट स्टील the cable and prevents moisture from entering. A core which is surrounded by a constructing layer of glass called the cladding. Cladding is protected using a protective coating consisting of plastic. It is called the jacket. यह केबल
सिलिका ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है। इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर कई सारे लेयर्स मौजूद होते हैं। यह केबल बाहर से देखने में तो सिंपल केबल की तरह ही दिखता है, लेकिन असली ऑप्टिक फाइबर लेयर के अंदर होता है। जिस ऑप्टिक फाइबर में से डेटा पास होता है वहाँ हमारे बाल जितना पतला होता है, इसे ऑप्टिक फाइबर कहा जाता है। और ऐसे कई हमारे ऑप्टिक फाइबर एक केबल के अंदर होते हैं जो कि कई लेयर्स द्वारा सिक्योर रहते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल में प्लास्टिक या ग्लास से बनी हुई केबल में लाइट रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसका कोर पतली ग्लास या प्लास्टिक की होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसे जैकेट कहते हैं, जो इसे प्रोटेक्ट करती है। अब हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में दो डिवाइसेस के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। यह वायरलेस सिग्नल्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे वायरलेस ट्रांसमिशन कहा जाता है। वायरलेस रेडियो, माइक्रोवेव, सैटेलाइट चैनल्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रॉडकास्ट इन ओपन स्पेस। द एडवांटेज ऑफ दीज चैनल्स इन लाई इन देयर कैपेबिलिटीज टू कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज। इट इज लेस एक्सपेंसिव, दैट इज वायर्ड इंस्टॉलेशन। द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रेडियो, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट चैनल्स लाई इन द फ्रीक्वेंसीज इन विच दे ऑपरेट। फ्रीक्वेंसी बिलो 1000 मेगाहर्ट्ज आर रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड हायर द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रॉडकास्ट का उपयोग करते हैं। इन चैनल्स के फायदे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करने की उनकी कैपेबिलिटीज में निहित होते हैं। यह वायर्ड इंस्टॉलेशन से कम एक्सपेंसिव है। रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल्स के बीच विभेदन और उन फ्रीक्वेंसीज में होता है जिसमें वे कार्य करते हैं। 1000 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है। बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, दीज आर मेनली थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क साइजेस, लैन, मैन एंड वैन। नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज, बिल्डिंग या कैंपस के अंदर नेटवर्क जैसे साइज के आधार पर नेटवर्क के प्रकार डिवाइड होते हैं, जिन्हें लैन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, और जो नेटवर्क पूरी दुनिया में कार्य करता है उसे वैन के रूप में जाना जाता है। साइज के आधार पर नेटवर्क्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN. A local area network, LAN, is a computer network that interconnects computer within a limited area, such as a residence, school, laboratory, university, campus, or office building. A LAN can be small or large, ranging from a home network with one user to an enterprise's network with thousands of users and devices in an office or a school. The simplest type of LAN network is to connect computers and a printer in someone's home or offices. In general, LAN will be used as one type of transmission media. LAN ka pura naam local area network hai. यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। LAN एक ऐसा नेटवर्क होता है कनेक्टेड डिवाइसेस का, जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन में मौजूद होता है। LAN को छोटे से एरिया जैसे होम, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग आदि में एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए यूज होता है। LAN has the following characteristics. LAN की कुछ characteristics हैं। First, coverage area is generally a few kilometers. Coverage area generally कुछ kilometers का है। Using different dedicated transmission medium, you can achieve the transmission rate from 1 Mbps to 100 Mbit.
second or higher, with the further development of LAN technologies is currently being developed towards higher speed. Example, 155 Mbps, 655 Mbps and 1000 Mbps etc. विभिन्न डेडिकेटेड ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग करके आप 1 Mbps से 100 Mbps या उससे अधिक ट्रांसमिशन रेट प्राप्त कर सकते हैं। LAN टेक्नोलॉजी के आगे के विकास के साथ वर्तमान में हाई स्पीड जैसे 155 Mbps, 655 Mbps एंड 1000 Mbps एक्सेट्रा की ओर विकसित किया जा रहा है। इन LAN यू कैन रन द मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ ट्रांसमिशन मीडिया। LAN में आप ट्रांसमिशन मीडिया को साझा करने के लिए अनेक डिवाइसेस चला सकते हैं। यू कैन यूज द डिफरेंट टोपोलॉजी मेनली बस एंड रिंग इन LAN। आप LAN में मुख्य रूप से बस और रिंग टोपोलॉजी के विभिन्न रिंग टोपोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन क्वालिटी इज बेटर इन LAN। The transmission error rates are low as compared to WAN. LAN में communication quality बेहतर है, WAN की तुलना में transmission error rate कम है। LAN support a variety of communications, transmission media such as a Ethernet cable, thin cable, thick cable and twisted pair, fiber and wireless transmission. LAN विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का समर्थन करता है, जैसे Ethernet cable, पतली केबल, मोटी केबल और मुड़ी हुई जो मुड़ जाए, फाइबर और वायरलेस ट्रांसमिशन। LAN यूजुअली हैज लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन, एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस एंड LAN इंस्टॉलेशन इज रिलेटिवली सिंपल, गुड स्केलेबिलिटी। एक LAN में आमतौर पर कम लागत, इंस्टॉलेशन, एक्सपेंशन और रखरखाव होता है, जो WAN इंस्टॉलेशन अपेक्षाकृत या रिलेटिवली सरल और गुड स्केलेबिलिटी है। एडवांटेजेस ऑफ LAN। फर्स्ट है रिसोर्सेज शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव्स, डीवीडी ड्राइव्स एंड प्रिंटर आर मेड इजी इन लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एन एग्जांपल, ऑल द रिसोर्सेज कैन बी कनेक्टेड टू वन सिंगल कंप्यूटर विद द नेटवर्क, सो दैट व्हेनेवर देयर इज नीड ऑफ रिसोर्सेज इट कैन बी शेयर्ड विद द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। इस नेटवर्क की मदद से हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे एक प्रिंटर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा तो सारे कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, अनदर टाइप ऑफ शेयरिंग मेड इजी हियर इज अ सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अ सिंगल कंप्यूटर विद अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड अमंग अदर यूजर्स इन द नेटवर्क। There is no need to purchase individual license for each and every computer in the network. All can be worked under one single license. Local area network में प्रत्येक client के लिए अलग से license प्राप्त software खरीदने के बजाय network से जुड़े अनेक computers में एक ही software का उपयोग करना आसान होता है। Convenient communication. Using LAN, user can exchange messages and data in a convenient way. Since the data is placed on the server, it can be accessed anytime by the LAN user. Every single LAN user can do this with other on the network. Hence, this is not only save lots of time, it ensures that messages get delivered to the right people. LAN का यूज़ करके यूज़र मैसेजेस और डेटा का सुविधाजनक तरीके से आदान प्रदान या शेयर कर सकते हैं। चूँकि डेटा सर्वर पर रखा जाता है, इसलिए LAN यूज़र द्वारा कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। प्रत्येक एक LAN यूज़र नेटवर्क पर अन्य लोगों के साथ ऐसा कर सकता है, इसलिए यहाँ न केवल बहुत समय बचाता है, यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज सही लोगों तक पहुँचे। Centralized data. As mentioned earlier, data of users are located at the centralized server. Any workstations in a particular network can be used to access this information. Moreover, user can access their own set of data by logging into their respective accounts. सभी networks, user का data central server या
सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है। यह यूज़र को आवश्यक डेटा तक पहुंचने के लिए नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर का उपयोग करने में मदद करता है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। सिंस डेटा इज स्टोर्ड ऑन लोकल सर्वर, इट कैन बी गारंटेड टू बी सिक्योर। If the data on the server is updated, then simply all the LAN users can access them. In addition to that, the host has capability to deny or allow users in a particular network so that additional security measurements can be imposed. क्योंकि data local server पर store होता है, इसलिए इसे secure होने की guarantee दी जा सकती है। यदि सर्वर पर डेटा अपडेट किया जाता है तो सभी LAN यूजर्स उन तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट शेयरिंग। LAN has a capability to share internet connection among all the LAN users. One single computer with an internet connection share internet with all the connected computers. This type of infrastructure can be seen in offices and net cafes. LAN सभी LAN यूजर्स के बीच इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने की कैपेसिटी रखता है। इंटरनेट कनेक्शन वाला एक सिंगल कंप्यूटर सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट शेयर करता है। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफिसेस एंड नेट कैफे में देखा जा सकता है। कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन। फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ईच कंप्यूटर्स ऑन द LAN इज assigned with a MAC address. This address will be normally used when sending and receiving data. In modern computers, these data is stored inside the network adapter that comes attached with the motherboard. Identification के purpose से LAN पर प्रत्येक computer को एक MAC address सौंपा जाता है। Data send और receive करते समय सामान्य रूप से इस पते का उपयोग किया जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटर्स में से डेटा नेटवर्क अडैप्टर के अंदर स्टोर होता है जो मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे LAN नेटवर्क के एडवांटेजेस थे। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।